सब्सक्राइब कीजिए ABCD सब कुछ चैनल को, और प्लम्बिंग का नया से लेकर पुराना हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन आपका मोबाइल में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका ABCD सब कुछ चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो जो है लीकेज का मैटर में है, और सबसे अलग स्पिन डालकर सबसे अलग आप लोगों को आइडिया देने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, फ्लास्क कॉक जो है, जो कंसील कॉक जैसा होता है, इसका स्पिंडल अगर लीकेज होता है तो कैसे आप करोगे रिपेयर, यानी उसमें दो तीन तरीका का लीकेज होता है। फिलहाल पानी बंद कर चुका हूँ मैं, ओके। जो काफ़ी टाँकी में जो हल्का हल्का पाइप में पानी है वो आ रहा है, तो इसका अंदर जो है पूरा लीकेज है। ये देखिए, आप बंद भी हो जा रहा है तो पानी टपक रहा है, जो ग्लान होता है। आप इसमें आप लोगों को समझाऊंगा ग्लान कैसा होता है, कैसे आपको बंद करना है, ओके। देखिए कितना ज़्यादा पानी आ रहा है, और इसमें जो है मतलब बहुत सारा चीज़ है, आप लोगों को आगे बताऊंगा। और पूरा हिल रहा है, कैसे नड़ रहा है, सब आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा, बने रहिए, क्योंकि बहुत ही अलग वीडियो है। और ये फ्लास्क को ऑलरेडी काम में नहीं आने वाला है, लेकिन आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले ये खोल लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले एक कैप खोल लीजिए आप, ओके। पपट पाना से भी आप खोल सकते हो, अगर नहीं खुलता है तो। उसके बाद आपका स्क्रू आता है, जो स्क्रू खोलना पड़ेगा आपको, ये वाला, ऐसा राइट साइड आप घुमाइएगा तो खुल जाएगा आराम से। एक हाथ में मोबाइल पकड़ रहा हूँ, इसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है कैमरा लेने में, ओके। उसके बाद क्या खोलना है, फ्लांज, यानी अपर पार्ट का जो पैक होता है, ओके। अब देखिएगा इसमें कैसा लीकेज है, और क्या आप लोगों को सिस्टम बताने वाला हूँ आज। शायद आप लोगों को भी ऐसा आइडिया नहीं है, शायद बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत सस्ते में हो सकता है, लेकिन हम लोग पूरा स्टैंडर्ड चेंज कर देते हैं। अब ये खोलता हूँ, तो ये अब खुल नहीं रहा है, काफ़ी टाइट है, यानी सीमेंट लग चुका है। ये सीमेंट मैं निकालता हूँ इधर से, ओके, फिर खुलेगा। तो अब मैं सीमेंट निकाल दिया, आप ये इजीली निकल जाएगा, ऐसा निकाल देना है आपको राइट साइड घुमा के, ओके। अब देख लीजिए आप किधर से लीकेज होता है, इसका कोई ऊपर ग्लान नहीं है, जैसे कि मैं एक दूसरा वीडियो बनाया था नल का, ग्लान से पानी टपके तो कैसे लीकेज बंद करूँ, लेकिन इसका ग्लान तो ऊपर नहीं दिख रहा है, आप कैसे लीकेज बंद करोगे। चलिए ये आप लोगों को बताता हूँ, काफ़ी मुश्किल है काम, लेकिन आप करोगे तो इजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूँ, क्योंकि पानी टपकेगा तो ये देख लीजिए ग्लान से पानी टपकता है, यही सबसे बड़ा दिक्कत करता है मुझे और आपको, किसी को समझ में नहीं आता है, हम सब स्पिंडल चेंज कर देते हैं। तो चलिए खोल लेते हैं सबसे पहले। तो अब ये खुल चुका है, लेकिन पानी बंद है, जो पाइप का है हल्का हल्का निकल रहा है, ये वैसा सही है, लेकिन अंदर से लीकेज है, अंदर यानी इसमें तो ग्लान नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझाऊंगा, समझते रहिए। इधर से लीकेज है, समझ लीजिए आप, इसका नट बोल्ट ऊपर से नहीं दिया है, जो आप इधर से कुछ लगा के पानी बंद करो। तो चलिए दिखाते हैं, तो आप देख लीजिए, ये जो है मतलब मैं मार्केट में ढूंढा हूँ, नहीं मिला है, और दूसरा काम करने की वजह से थोड़ा हाथ ये बिगड़ चुका है। तो सबसे पहले मैं इसे खोलता हूँ, और इसमें बहुत सारा चीज लगता है, वो आपको दिखाता हूँ। ऐसे घुमा के खोलना है आपको, और ये नट बोल्ट निकाल के, ये देख लीजिए, ये जो वाइसर है ना, ब्लैक वाइसर, ये वाला प्रॉब्लम, ये खा गया और टूट गया, इसके वजह से लीकेज हो रहा है। इसमें दो वाइसर लगता है, इधर एक लगता है और इधर एक लगता है, ये दोनों वाइसर खा चुका है, इसके वजह से लीकेज कर रहा है। आपका ये वाइसर जो है मार्केट में आसानी से मिल जाता है, ओके, लेकिन वो छोटा वाला राउंड वाइसर वो मिलता नहीं है, और इधर ग्लान नहीं है, तो आप इधर से तो टाइट नहीं कर सकते हो, जैसे कि मैं दूसरे वीडियो में बताया था, इधर से ग्लान, और इसका ग्लान क्या किया, इनसाइट में दे दिया, बाहर देने की वजह अंदर दे दिया, ओके। इसे आपको निकालना है ऐसे, और इधर आपको वो वाइसर मार्केट में मिलता है तो सही है, मार्केट में मिलना चाहिए, लेकिन हर मार्केट में मिलता नहीं है ये वाइसर, इसके वजह से बोल रहा हूँ आप लोगों को। अगर मिल जाता है तो वाइसर ही लगाइए, टेबलम टेप मत लगाइए, लेकिन मिलता नहीं है तो टेबलम टेप लगाइए, आपका काम आएगा। लेकिन क्या है, टेबलम टेप लगाने का भी थोड़ा ढंग होना चाहिए, नहीं तो लीकेज हो जाएगा फिर। इस दोनों में आपको टेबलम टेप अच्छे तरीके से लगाना है, ओके। और सबसे बेस्ट है ये जो वाइसर है, आप सबसे मार्केट में लेकर जाइए, नहीं तो स्पिंडल लेके जाइए, और मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा होता है। दो वाइसर लीजिए, और दो वाइसर इसका राउंड करके इसमें लगाना है, ऐसे बाहर निकालना है आपको, और इधर से ऐसे लेके आके सिंपल सा ऐसे लगा देना है। वाइसर बेस्ट होता है, टेबलम टेप हर किसी को अंदाज़ा नहीं आता है कितना लगता है, तो मैं अभी टेबलम टेप लगवाऊंगा इसमें सफाई करके, ओके। तो ऐसे आपको सफाई करके इसमें टेबलम टेप लगवा लेना है, लेकिन क्या है, टेबलम टेप आपको अंदाज़ा होना चाहिए कितना लगाना पड़ेगा,
नहीं तो फिर लीकेज हो जाएगा, तो आपको चेक भी करना पड़ेगा, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं दोनों में टेवलम टेप लगवा लेता हूँ ऐसे। ओके इस तरह का आपको लगा लेना है। ओके इसके बाद आपको एक बार चेक करना है कि टाइट में जा रहा है कि नहीं आपका नट बोल्ट, यानी जो नट बोल्ट आप इसके ऊपर चढ़ाओगे, ओके वो आपका टाइट में जा रहा है कि नहीं, जैसे कि मैं अभी चढ़ा रहा हूँ ये वाला, ऐसे लगाना है और देखना है थोड़ा टाइट में जाना चाहिए। तो मेरा थोड़ा लूज हो रहा है, यानी मैं और थोड़ा टेबलम टेप देकर इसे टाइट करूँगा ताकि हल्का हल्का टाइट लगे, नहीं तो फिर उधर से पानी निकलना चालू होएगा। ओके तो अब मैं ये टेबलम टेप लगवा दे रहा हूँ थोड़ा, और इसमें जो है ना, अगर आपका मार्केट से वाइसर मिल जाता है तो काफ़ी बेस्ट होता है, नहीं तो हर कोई आदमी से ये लीकेज बंद नहीं होता है और काफ़ी दिन जाता नहीं है। तो इसके वजह से आप स्पिंडल काफ़ी मत चेंज करिए, और अभी थोड़ा मुझे टाइट लग रहा है और ऐसे ही टाइट होना चाहिए आपका भी। ओके आप देखिए, लगा कर देखता हूँ, उसके बाद और कुछ नहीं है, बस लगा देना है, पानी चालू करके चेक कर लेना है, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छे तरीके से आपको टाइट कर देना है इसे। ओके तो आप, पानी भी चालू हो चुका है और लीकेज देख लीजिए बिल्कुल बंद है, और बेहतर है टेबलम टेप से स्पिंडल का वो वाइसर आप मार्केट में जाइए लेकर आइए, क्योंकि टेबलम टेप से हर कोई लीकेज ये बंद नहीं कर पाते हैं और हर स्पिंडल ये लीकेज बंद भी नहीं होता है। तो वाइसर लेके आके आप करिए, और इतना छोटा सा काम आप पूरा स्पिंडल मत चेंज करिए अगर अच्छा रहता है तो। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा है तो जो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।